हाय गाइस, मेरा नाम उमेर है और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनक्यूबेटर के बारे में। सबसे पहले कि इनक्यूबेटर क्या है और ये कहाँ काम आता है। इनक्यूबेटर वो बॉक्स होता है जिसमें हम अपनी मर्जी का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक पॉइंट पे कंट्रोल करके रखते हैं और अंडों को मस्नूई तौर पर हैच करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इनकी टाइप्स कितनी होती हैं के हवाले से बात करेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका और इसकी डिटेल के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक करें। इनक्यूबेटर तीन कैटेगरीज के होते हैं। पहला 220 वोल्ट पे चलने वाला, दूसरा 12 वोल्ट पे वर्किंग करता है और तीसरा वाला गैस पे चलता है। और इनमें भी इनकी टाइप्स होती हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। 220 वोल्ट पे चलने वाला इनक्यूबेटर को घर के सॉकेट में डायरेक्ट लगा देते हैं जिससे ये 24 घंटे चलता रहता है। ये तरीका सबसे कॉमन है, इसमें आपको हर वक्त की परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर लाइट चली जाए तो आपको बैकअप ज़रूरी रखना पड़ेगा। 12 वोल्ट पे चलने वाला इनक्यूबेटर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ या तो 220 वोल्ट की बिजली आती ही नहीं या बहुत कम आती है। इसमें आपको 12 वोल्ट प्रोवाइड करना होते हैं जो या तो आप सोलर पैनल से देते हैं या फिर बैटरी से। गैस वाला इनक्यूबेटर का भी यही तरीका है, जहां 220 वोल्ट नहीं आता है वहां गैस इनक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक। मैनुअल का मतलब है कि आपको ये काम सारे खुद से करने होंगे, मीन्स टेम्परेचर भी आपको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, अंडे भी आपको खुद रोटेट करना होंगे और ह्यूमिडिटी के लिए भी पानी आपको खुद फिल करना होगा। इसे कहते हैं मैनुअल इनक्यूबेटर। उसके बाद आता है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में टेम्परेचर ऑटोमेटिक होता है और पुश और पुल वाली एक एग ट्रे होती है जिसमें एक ही दफ़ा सारे एग्स रोटेट हो जाते हैं। हर एग्स को रोटेट नहीं करना पड़ता लेकिन वाटर खुद फिल करना पड़ता है। फुल ऑटोमेटिक में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एग टर्निंग सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, बस आप एग रख के भूल जाते हैं। अब ये वाली टाइप्स के साथ अगर आप 220 वोल्ट और 12 वोल्ट और गैस की कैटेगरी से अटैच करेंगे तो इस तरह से मैनुअल या फिर फुल ऑटो हो सकता है। ये थी इनक्यूबेटर की टाइप्स कि जब आप अपना इनक्यूबेटर बाय करने लगें तो आपको पता हो कि कौन सा इनक्यूबेटर आपको सूट करता है। अगर आप अपना इनक्यूबेटर खुद बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में इनक्यूबेटर बनाने की वीडियोस मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।